है फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू हरी हॉट किचन। तो आज जो ये बैंगन की भरता देख रहे हैं, ये स्मोक्ड फ्लेवर वाला बैंगन की भरता है। बहुत ही यूनिक और डिलीशियस रेसिपी है और ये रेसिपी मैं अपने होटल में बनाया हूँ। तो अभी तक अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ थोड़ा आपको मन लगा के ध्यान देना है। यहाँ पे मैं दो बैंगन लिया हूँ और चार पीस लिया हूँ लहसुन, गार्लिक लिया हूँ। और बैंगन को मैं चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा काट दूंगा अंदर तक, और जो गार्लिक है उसको मैं अंदर दबो दूंगा और ये गार्लिक बैंगन के साथ रोस्ट होगा। तो उसके बाद हम बैंगन और गार्लिक दोनों को अच्छी तरह चॉप्ड कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं सरसों का तेल लगा रहा हूँ, बैंगन की स्किन पर लगाऊँगा। और जब हम इसको हम रोस्ट करेंगे तो इसमें क्या होगा कि जो बैंगन है इसका जो स्किन है ये रोस्ट हो जाएगा अच्छी तरह, मतलब कि हार्ड हो जाएगा और अंदर बैंगन सॉफ्ट हो जाएगा और जलेगा नहीं अंदर तक। तो यहाँ पे दूसरा एक बैंगन लिया हूँ, उसको मैं डेंठल से काट रहा हूँ। इक्वल साइज काटूंगा, दोनों बराबर होना चाहिए। तो इसको हम कटोरी बनाएंगे। यहाँ पे थोड़ा आपको प्रॉब्लम हो सकता है, बट अगर आपका नाइफ शार्प हो ना, अच्छी तरह तेज़ धार वाला हो, तो ये अच्छी तरह कटोरी बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो, मैं बैंगन को इक्वल साइज काट के इसको मैं क्या कर रहा हूँ कि साइड से मतलब कि आधा इंच छोड़ के थोड़ा पतला मैं राउंड शेप दे रहा हूँ। उसके बाद अंदर से हम धीरे धीरे चीरा लगाएंगे। चीरा लगाते से हम ये ध्यान रखना कि बैंगन का आर पार ना हो, ठीक है। अभी मैं क्या करूँगा, एक स्पून लूँगा और इसको धीरे धीरे निकाल दूँगा। अब आपको ये भी ध्यान रखना है कि बैंगन ज़्यादा पतला भी ना हो। अब इसको खरोच खरोच के निकाल देंगे, बट जो वेस्टेज बच गया ना उसको फेंकना नहीं है हमें। अभी क्या करेंगे, एक छन्नी लेंगे और बैंगन को क्या करेंगे, रोस्ट करेंगे। धीमी आंच होना चाहिए और धीरे धीरे रोस्ट करेंगे। करीब हम 15-20 मिनट ले लेंगे इसी को रोस्ट करने में, बट अच्छी तरह रोस्ट होना चाहिए, जलाना नहीं है बैंगन को। बैंगन को दोनों बहुत साइड मतलब कि ऊपर से और बैंगन को खड़ा करके भी आपको रोस्ट करना है। तो यहाँ पे मैंने एक जिंजर ले लिया छोटा सा और दो ग्रीन चिली। तो इसको हम क्या कर लेंगे, चॉप्ड कर लेंगे। चलो इसको हम साइड कर देते हैं। अब दूसरा, अभी जो है एक रेड चिली लिया मैं ड्राई, उसको भी मैं रोस्ट किया और इसको भी चॉप्ड करके रख दिया। ये हमारा तड़का बनाने में काम आएगा। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं जो वेस्टेज बैंगन बचा था, तो इसको क्या करूँगा, मैं चॉप्ड कर लूँगा अच्छी तरह और इसको हम उबाल देंगे। तो जो बैंगन मैंने रोस्ट किया था वो बैंगन अभी बिल्कुल तैयार है। देखो मैं धो के उसका स्किन निकाल दिया हूँ। अभी आपको क्या करना है, गार्लिक के साथ लहसुन के साथ इसको चॉप्ड कर देना है अच्छी तरह। ये देखिए बैंगन बिल्कुल सॉफ्ट हो गया ना, तो इसको अच्छी तरह हम चॉप्ड कर लेंगे और उसको निकाल देंगे। अभी हमारे पास टाइम है कि हम सारा मिर्चा तैयार करके रख दें, बाकी हम जब तड़का लगाएं तो हमें प्रॉब्लम ना हो। तो अभी आपको क्या करना है, एक प्याज लेना है और दो टमाटर, इसको जुलियन काटना है, ऐसे पतला बारी बारी काट देना है। जुलियन काटने से ये होता है कि तड़का लगाने के बाद बैंगन की भरता आप जब खाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी मैंने यहाँ पे पानी लिया हूँ, इसको पानी को अच्छी तरह गर्म करूँगा, थोड़ा सॉल्ट डालूँगा। और जो वेस्टेज वाला बैंगन था ना, हमने निकाल के रखा था स्पून में, तो उसको हम क्या करेंगे, अभी उबाल देंगे। उबालते टाइम आपको ध्यान रखना है, आप थोड़ा सा हल्दी डालें ज़रूर, क्योंकि मैंने यहाँ पे हल्दी नहीं डाला तो ये थोड़ा डार्क कलर दिख रहा है। तो इसको एक छन्नी में निकाल कर रख देंगे। अभी दूसरा एक फ्राई पैन ले लेंगे। फ्राई पैन में क्या करेंगे, सरसों का तेल डालेंगे, करीब करीब 3 चम्मच डालेंगे। सरसों के तेल को अच्छी तरह गर्म करना है और डालना है पहले जीरा। जीरा डालने के बाद प्याज, प्याज को ज़्यादा भूनना नहीं है, कलर नहीं देना ज़्यादा, क्योंकि प्याज जो है सॉफ्ट होना नहीं चाहिए, तभी मज़ा आता है। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और मुझे हेल्प करें 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट होने के लिए। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया ग्रीन चिल्ली और जिंजर भी डाल दूंगा जो हमने चॉप्ड किया था, पहले मिर्चा बनाए थे तैयार करके रखे थे।
तो बैंगन की भरता दूसरे तरीके से भी बनता है, लाइक चूल्हा में जला के और प्याज व्याज सब कुछ ऊपर डाल देते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक हींग डाल दिया, थोड़ा सा एक पिंच हींग डाला कि अच्छा फ्लेवर आए। हल्दी पाउडर थोड़ा सा डाला, मतलब कि एक चम्मच से चौथाई, और मिर्च पाउडर आधी करीब। तो यहाँ पे हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अभी टाइम हो गया कि हम टमाटर डाल दें। टमाटर डालने के बाद इसको हम थोड़ा अच्छी तरह चलाएंगे। सॉल्ट डाल देते हैं 1 टेबलस्पून, टमाटर को थोड़ा गला देगा। सॉल्ट थोड़ा पहले से ना आप थोड़ा कम यूज़ करें, क्योंकि अगर अभी से सॉल्ट ज़्यादा हो गया तो बाद में प्रॉब्लम हो सकता है, बाद में आप कम नहीं कर सकते हैं। तो अभी जो टमाटर है हमारा गल चुका है अच्छी तरह। कलर बहुत ही बढ़िया हुआ है हमारा, और जो रोस्टेड ड्राई चिल्ली था चॉप्ड करके रखा था मैंने, उसको भी मैंने ऐड कर दिया यहाँ पे। अब जो ब्रिंजल है उसको हम ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। अब बैंगन की भरता हमारा तो तैयार है, बट लास्ट में और एक चीज़ बाकी है, वो है स्मोक देना। अभी आपको क्या करना है, ये बैंगन की भरता को साइड करना है और 2 पीस कोल लेना है, मतलब कि कोयला। कोयला आप कोई सा भी ले सकते हैं, पत्थर का कोयला ले सकते हैं, नहीं तो लकड़ी का भी कोयला ले सकते हैं। और कोयला के साथ थोड़ा सा मसाला चाहिए हमें, जैसे कि दालचीनी 2 पीस और लौंग वो भी 3-4 पीस। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा बैंगन की भरता बिल्कुल ठीक हो गया है। इसको हम एक बाउल में निकाल देंगे। बाउल थोड़ा बड़ा होना चाहिए, मतलब कि गहरा होना चाहिए, तभी हमें सही रहेगा स्मोक डालने के लिए। यहाँ पे चारकोल ले लिया मैंने, थोड़ा सा घी ले लिया और थोड़ा सा दालचीनी और लौंग। जो चारकोल है इसको हम गर्म कर देंगे, अच्छी तरह जलना चाहिए, बिल्कुल लाल हो जाना चाहिए चारकोल आपका। तो ये पत्थर वाला चारकोल है, पत्थर वाला कोयला है। तो यहाँ पे एक छोटा सा कटोरी ले लिया मैंने, वहाँ पे कोयला डाल दिया और अभी डाल दूँगा वो मसाले। मसाला आपको ध्यान रखना कि जलना चाहिए। अभी इसके ऊपर मैं डाल दूँगा घी। तो यहाँ पे घी और मसाले का फ्लेवर बहुत ही बढ़िया लगेगा। अभी आपको क्या करना है, सिल्वर फॉइल लेना है, इसको ढक देना है, ढक देना है, करीब 10 मिनट के लिए ढकना है। तब तक हम बैंगन की कटोरी को तैयार करते हैं। अभी बैंगन की कटोरी तैयार करना बाकी है। एक हॉट प्लेट तैयार करना है या तो एक तावा। तो तावा को गर्म करने के बाद ऑयल डालें और इसको अच्छी तरह इसको उल्टा करके सेक लें। तो बैंगन की जो कटोरी है हमारा, ये बिल्कुल लाइट गोल्डन कलर हो जाएगा, आप देख सकते हैं बढ़िया हो गया ना कलर। तो हमारा कटोरी बन के बिल्कुल तैयार है। अब हम क्या करेंगे, भरता को ओपन करेंगे। भरता भी हमारा बिल्कुल तैयार हो गया होगा। तो यहाँ पे सिल्वर फॉइल को ओपन करता हूँ और देखता हूँ स्मोक ख़त्म हुआ कि नहीं। तो स्मोक बिल्कुल सारा ख़त्म हो गया है, भरता के अंदर चला गया है सारा स्मोक। ये बिल्कुल स्मोकी फ्लेवर होगा और इसका जो टेस्ट होगा बिल्कुल कुछ डिफरेंट ही होगा। अब जब भी ट्राई करेंगे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है। तो अभी मैं प्लेटिंग कर दूंगा। हमारे होटल में ऐसे ही जाता है ये बैंगन का भरता, और जो वीडियो है मैं होटल में ही बनाया हूँ। तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स फैमिली नेबर के साथ शेयर ज़रूर करना मेरा चैनल। और मुझे लगता है आपने चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना। अभी आपको ऐसे कुछ गार्निश करना है, मतलब कि जिंजर जुलियन काटना है पतले पतले, और एक मिर्ची स्लिट करके डालना है ऊपर, और धनिया। अब मैं इसको दूसरी तरफ से भी एक कैप लगा दिया ब्रिंजल का, जो हमारे पास बता था कटोरी, उसमें भी आप भर के दे सकते हैं। तो ऐसे कुछ सरप्राइज जैसे दिखता है कि ब्रिंजल को काट के उसके अंदर भरता बना के डालना।
सो फ्रेंड्स, ये वीडियो में मैंने बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग किया हूँ, तो अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, क्योंकि मुझे इस महीने में कम से कम 1,00,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है। तो चलिए मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।